तो शहरों के बीच में बैठे जो रास्ता जानो थे ये जानो मैं लखन डुल अभी तक जितना लोग मिले छह सब तय लखन डुल का तो अब चलता मैं लखन डुल। तो यो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैंडुल आप देख सकते हो विकास क्षेत्र द्वारिखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो यहाँ चे स्कूल तो स्कूल तो सभी बहुत ही प्यारी होंगी ना देख सकता। तो अभी स्कूल लगी चे तो यखम डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं। तो यखम बैठे मैं कैंडुल हो गया स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ू हुई छो। तो सबसे पहले एक मकान लगू देखम जो बोर्ड अभी तालमेल छे हमते तो वही बड़ी घर छे तो चलो। तो बरसात का सीजन छे सब तक पता छे करेला लगुल कद्दू लगुल तो लगभग सब्जी सब्जी में दिखाने लगे रहा आते पिछले ब्लॉग में भी दिखा चाहे जब भी मैं गाँव में गयों तो दिखाने लगे रहा थोड़ा बहुत ही एक भी सब चीज़ लगभग सेम उत्तराखंड में सेम ही छे ये कद्दू टुकलू चीज सब जगह होने लगे रहे। तो बॉडी घर जी ई जो मैंने पता छा आप थे बॉडी तो घर ची हो अब आप थे मैं वो चीज़ दिखा दें कि मैं लकैंडुल बटे जो मेन सारी तालक सारी छे और तय लकैंडुल छे वे एक नज़ारा कंचे एकदम अद्भुत दिखा दें मैं आप थे। तो एक देखो आप ये दीदी चीज ना गामा दो फ्रेम लगी चे मेहनत करनी और यो जो क्वाद है तो क्वाद लेना ना बट देख सकता इन लेन क्वाद घर तो बांध रोक भी समझ अच्छे हैं जो थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी लोग मेहनत इसी देख सकता आप। तो ये हम ची दीदी आप क्वाद लेनी चे तो दीदी आपका नाम सबसे पहले। हाँ मेरा नाम बोला वो गीता देवी से। अच्छा आपक मैं था मैं मेरा मन जब तो मत आई कांडो छ कांडो में मैं ससुराल से। अच्छा तो आपक मैं तो की जगह तो मैं गांव मैं तो मेरा मते से सुखवाड़ मंजा पो मते। अच्छा मतलब ये के कांडो लगे मते। हां मते तरफ चलो बढ़िया बढ़िया तो काफी मेहनत कर दा आप। हां बोला एक मकान यो छ मथी बोड़ी दिखने में आप थे तो घर बहुत ही अच्छो भले पुराने लेकिन बहुत ही प्यारो जो ओरिजिनल जो उत्तराखंड घर होने से पहले का तो इन टाइप का होना चाहिए इसी ने बोड़ी तो बोड़ी सबसे पहले आपका नाम है। नाम सुबा देवी। अच्छा तो तुम अभी क्वाद वाद खूब कुटियो मतलब क्वाद ही जनियो। अच्छा अब मैथ का कस्टमर मैथ भाबर कोटद्वार। अच्छा तो लोग ये बड़े देश जन मतलब देहरादून कोटद्वार और तुम कोटद्वार बड़ी या कौन उल्टा। अकेले रहें तो एक घर ची ना यकम जिन भाजी यार बॉडी और भी सिंह पिछना तो आप घर का भाजी। अच्छा यू चे आई बोलो यो शायद पलायन लगे आई यू घर रंजन तो ये भी देख सकता आप कि फटल होल मकान से बढ़िया चे फर्स्ट क्लास। तो मैं तो इन मकान ज़्यादा पसंद छे किले उत्तराखंड की संस्कृति जो है ये सही जुड़ी चे न कि लेंटरदार मकानों से जुड़ी ये हम छिन बॉडी और तो बॉडी नमस्कार है। नमस्कार बॉडी सबसे पहले आपका नाम। सुमा देवी। सुमन देवी। सुमा देवी। सुमा देवी और आपका मैं तो तोली। तोली क्या दस माना चो आप। तोल बाड़ी। अच्छा बाड़ी तोली और एक बॉडी हम छ तो बॉडी आपका नाम है। मेरा नाम दौंथी देवी। दौंथी देवी और आपका मैं तो मैं बनेल छु गींड। अच्छा गेंद भड़ेल छु बनेल छु। अच्छा चलो बढ़िया छे और तब सुनाओ तब कनकन छनो गाम के थन ना वो कन मन ना दस है वही। हां गुणी बानर सोलू सुंगर मोर सब कुछ खानी दीना सटे तुम्हारे बुद्धिया छिन मिन दाग छे क्वाद सटे मतलब खेती तो बहुत बढ़िया हुई छे यही तो पानी मो जा रात जंद हम वाड़म तब। हां वाड़म मिन बता छे कि झुपड़ा वगैरह बनाए छिन तो हम रात ही पैर दिन मार लो तो सुंगर वगैरह आनो छे मतलब गुणी मानर उजाड़ चलो कोई बात नहीं आप लोगों बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा लग मुझे देखे कन की मतलब एक भाई साहब जी ये भी छे ना तो भाई जी अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम सरजीत बोल ना सुरजीत बोल ना। अच्छा सुरजीत आप के नाम छे चलो बढ़िया और यूं माता जी भी छे ना तो बड़े नमस्कार है मैं मुसा भाई। अच्छा तो अपना नाम बता दो जरा। प्रभा देवी। प्रभा देवी। हां और मैं तो लवल सिंह मैच बमोली। बमोली चलो बढ़िया
तो ये गांव में दो चार परिवार यहाँ तरफ भी छे ना, देख सकते आप। तो ये गारे खंबे पोड़ जान दे, देख सकते आप। तो दीदी और भोजन वोजन बनाना छे ना, जी बनाना सार बनो चजिंदा सार आलू 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 चजिंदा थी जोड़ बने में जाना है ना। चलो बढ़िया। नाम जान सको मैं? मेरा नाम भागरथ देवी से। भागरथ देवी मैं कर चाहता हूं। मैं था का का मैं था मैं था मैं ठण कना तरफ पुड़ दियो ना पुकार से कुलाड़ हाथों कोठा। अच्छा हाथों कोठा था बगल का। चलो बढ़िया। एक घर पुड़ जाने ना तरफ तो दीदी लोग हम सब बैठे हैं छी ना, तो बात कर लेना रगड़ दे। सबसे पहले बोर्ड देकर कर ले बात। बोर्ड नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। नाम? मेरा नाम है सुदामा देवी। सुदामा देवी। और आपका मैत? मैत मेरा पगर चुने। पगर की चोसना तरफ। अच्छा चोसना चो। चलो बढ़िया। दगड़म छीन एक बुढ़ी और है। बुढ़ी नमस्कार। बुढ़ी नमस्कार। आपका नाम और आप मैत बता दो। मेरा नाम तो कमला देवी छ। मैत उमन छ। उमन उमन उमन। अच्छा उमन इका नजर पड़ गया। नरुआ तरफ। अच्छा नरुआ तरफ। चलो बढ़िया। बस समझ गई। एक दीदी हो छी ना, तो नाम सबसे पहले दीदी आप? आशा देवी। आशा देवी। और मैं था तोली बाड़ी तोली। बाड़ी तोली। चलो बढ़िया। तो मुड़ी आप देख सकते हो मुंगरड़ से घर गांव में एक जगह लग रहा हूँ कटकल लगी चलो लोगों का। और साथ ही साथ आप देख सकते हो ग्राम पंचायत कैंडुल मल्ला या पंचायत घर जी हो पंचायत भवन बोल दीजिए कौन देख सकता। अरे ये सुनिए बहुत ही खूबसूरत आमा की एक डाल बीच देख सकते हो। यू नहर पानी चो जो कि खेती में काम आंदे देख सकता। और पीना का पानी पीछे जी कम यू नहर पानी पानी डाइवर्ट करो या पीना का पानी हो तो देख सकता। दरोड़ा से दिखा दें में लक्षण लग पीना का पानी चाहिए देख सकते हो आप। सार्वजनिक ग्राम पंचायत कैंड मल्ला और पीने का पानी यार ये हो चुका है तो काफ़ी मतलब पक्को छत लगे से ताकि दिक्कत नहीं हुआ। तो ये पानी की बगल में ना तरफ भी दो चार घर छे एक रास्ता ना जान एक रास्ता ना जान तो दिखता छो घर हमको कुछ इन दिखाने कोशिश करो नहीं। तो इन तरफ कुछ कुछ पलायन वाला घर भी छीन चुकी है देश चल गए ना पर नौकरी करना को तो घर खाली छे फिलहाल। तो अब छोमी ये गांव का लास्ट जो एंड जो ये मकान से लास्ट वक काफ़ी दूर हुई है तो उन्हें हमें जानो नहीं छो तो बाकी इना घर देख सकते हो आप किचन और कुछ घर पलायन कगार छिन कगार मतलब कगार समझो मतलब कि पलायन हो ही गया है तो देख सकते हो। तो ये लोग घर में नहीं छे ना तो फिर एक बटे निकल दो छोमी। तो ये घर ये भी पोड़ जान तो एक घर यो ची यखम देख सकते आप। तो काफ़ी लोग छीन यखम बैठे हैं यखम छीन ताऊ जी वगैरह और एक ताऊ जी छीन एक ताऊ जी छीन। तो ताऊ जी सबसे पहले आपका नाम? जयदेव जी। जयदेव जी हाल जी। चलो बढ़िया बढ़िया। के गांव? नेहरू। नेहरू। चलो बढ़िया। एक ताऊ जी छीन तो ताऊ जी आपका नाम? महेश शरण। महेश शरण जी जो यार जी मतलब आप भी नहरो लगी वाला? ना ना हम की। अच्छा आप कैंडो लगी जो? चलो बढ़िया। और ताऊ जी सिंह का? ताऊ जी दिनेशन काला। अच्छा हम भी काले छो। अच्छा हाँ जी ये हम सिंह बोड़ी तो बोड़ी सबसे पहले आपका नाम? हैं नाम? मेरा नाम उमा देवी। उमा देवी। मैथ? मैथ बीट पैंट से। अच्छा मैथ बीट पैंट। चलो बढ़िया। एक दीदी और यखम भी छीन तो आपका नाम? नाम कमला देवी। कमला देवी। आप मैं तो बगन बगन खा लो। चलो बढ़िया। एक बूढ़ी बिचिन मुस्कुराना चाहिए ना तो नाम बताओ आप। कौशल देवी। कौशल देवी। अच्छा नाम छे और क्या बोल देंगे मैं तो खंड कहना था। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया। ये हम छिन भाई साहब जी हमारा थोड़ा युवा वर्ग आंदीन जो तो भाजी आपका नाम? धीरज काला। धीरज काला। मेरा नाम छो नितेश काला। ठीक छे मैं काले जाऊँ इले अमीन बाल के हमारे भाई बहन छे। और तो आज कुछ देव कार्य होने छे एक हम पितर कार्य। चलो बढ़िया।
हम छह तीन चार भाई लोग भी, तो बाजी नाम नाम बता दो खाली। वेद प्रकाश डोभाल। वेद प्रकाश डोभाल नहीं, प्रकाश डोभाल। अच्छा, प्रकाश डोभाल। हाँ जी, मैं पौड़ी गुरदौर सिंह कोटावड़ी। अच्छा, पाव ब्लॉक। पाव ब्लॉक, हाँ जी। चलो बढ़िया, देख मेरे सदारी। अच्छा, हाँ तो हमारी ताई जी हाँ, तो देव मतलब पितर कार्य होना चाहिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया। संतोष बोलनी, यो हमारे गांव चौका है नुरमल्ला द्वारा ब्लॉक में। अच्छा, आज हमारे बॉडी को पूछा। चलो बढ़िया। हरिताओ जी। हाँ जी, हरीश काला। हरीश काला जी कैंडल। चलो बढ़िया जी। दीदी और दीदी, नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका नाम? अब क्या बोलूँ मैं, नाम शांति। शांति, हाँ जी। आगे शांति डोभाल। डोभाल, मैथ या खींचा? अच्छा, मैथ बेटवानी। हाँ, ससुर रास्ते आप? ना ना, ये दीदी ससुर रास्ते। अच्छा, ये ससुर। चलो बढ़िया। हम मेहमान छे। अच्छा, मेहमान छे मतलब। हाँ। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो एक बोड़ी भी छे ना, तो आप बताओ जरा पहला अपना नाम सबसे पहले। कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। मैथ आप आपका मैथ? मैथ मैथ चमडूल का दे चौन कोट जने। चलो बढ़िया। तहसील हमें क्या क्या चापक रिश्ता? मौसी रे को चापक मौसी नाम क्या? अब मौसी नाम। अच्छा, तो मतलब जो श्री भरोसे स्वर्गीय श्री भरोसेलाल काले जी छी ना, वो माँ आपक मौसी है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं आ गया मैं लकेंडुल बटे ताली यानी तेले कैंडुल। आप देख सकते हो कि गाँव वालों कितना मेहनती छीन, और ये गाँव में अन्न पानी धन धान्य का कोई कमी नहीं है। इतना मेहनत हुई है तो मतलब जो अन्न च वो खुद पैदा करना छीन। इना तरफ आप सर टेयर को देख सकते हो, इना तरफ दाल मुंगरी ये चीज़ देख सकते हो। तो गांव बहुत ही अच्छा है, और जितना अच्छा गांव है वैसे ज़्यादा अच्छा यहाँ खेती है, और जितना अच्छा यहाँ खेती है वैसे ज़्यादा अच्छा यहाँ लोग छीन। बहुत ही प्यार प्रेम ये गाँव लोगों में। तो बहुत ही अच्छा लग मैं थे जितने भी लोगों ने मेरा सम्मान दिया ये गाँव में, तो मैं बहुत अच्छा लग। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद कर दूँ जो उन मतलब इतना प्यार दिया अपने गाँव में आकर, जितने लोगों ने मतलब हर चीज़ प्यार दिया सम्मान दिया, हर चीज़ पूछ के बोला का छे कि हर चीज़। तो ये चीज़ आज भी गढ़ वाले में बची छे, अपने संस्कृति जो है ये गाँव में बहुत अच्छी है, और लोग भी बहुत प्यारे छे का। तो गाँव का जो फर्स्ट घर छ रोड से ठीक मत थी, तो घर जख मैंने आपसे दिखा चाहिए जखम बोडी ओड चाहिए, तो वे ऊँकी घर है ठीक तालम बटे ये रोड जानी छे जखम में जानो छो। तो ये जानी चाहिए यहाँ मंदिर रखो, तो मंदिर से ठीक इना साइड तब आपसे ये गांव का मंदिर दिखा दें कि क्या चीज़ है मंदिर से, किले की मैं पैदवार आऊँ तो वक्खी जगह पता लगल। तो अभी मंदिर बाटो में चलू छो मैं, तो थोड़ा सी बरसात का मौसम च तो थोड़ा झाड़ी वाड़ी हुई, तो वन थोड़ा मंदिर का एरिया गाँव वालों को से ही विनती कर दो कि थोड़ा सा साफ़ कर दिया गाँव का रास्ता, ताकि कोई भी मंदिर कोई भी दर्शन करना जा तो वे तो थोड़ा आप गाँव अच्छा लग। तो ये हो जाए श्री कनकेश्वर महादेव। तो आप चले जान छो मैं महादेव का चरणों में देख सकता। तो सबसे पहले आ देखा मैं ये बरगद का पेड़ है बहुत विशाल, ये देख सकता। तो वे की बगल फरी मंदिर बसी चार बहुत प्यारो, देखो भव्य। हर हर महादेव हर हर शंभु। तो इतना प्यारा मंदिर से देख सकता। तो भोलेनाथ जी के दर्शन के अलावा पहले त्रिशूल डमरू और ये प्रतिमा से भैर, तो काफ़ी अच्छा और मॉडिफाई करूँ। तो भीतर बात करो प्रांगण का, तो प्रांगण आप देख सकता बहुत ही अच्छा जो। तो शायद अभी पूजन वगैरह हवा तो वे एक बानी थोड़ा साज सजा करी जो, तो बहुत प्यारो मंदिर जो। तो दिखाना कोशिश करूँ मिले अगर भीतर प्रतिमा देख सकला तो दिखाना कोशिश करूँ मैं। तो भीतर जो शिवलिंग आप देख सकता, तो ये शिवलिंग से आप दर्शन कर सकते हो जो तो हम जगह से। तो मंदिर प्रांगण बहुत ही अच्छा जो, और पिछले आप प्रतिमा भी देख सकते हो शिव जी का। तो ये मंदिर बहुत ही प्यारो, देखो ये एक जो गुम्बद है टॉप ये भी काफ़ी लंबो है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। दगड़ी दगड़ आप देख सकता है कि बेलपत्री आप थे लाने की जरूरत नहीं, बेलपत्री बेला डाल यानी खुद ही अखमी है ठीक मंदिर की जस्ट बगल फट है। वे के अलावा खेती बाड़ी डेकोरेशन में सब चीज़ में देखो पूरी हरियाली है चारों तरफ, हर एक डाल आप मिल जाएगा हम आम अमरूद हर चीज़ से लेकर।
तो मंदिर प्रांगण भी बहुत बढ़िया और गांव भी बहुत ज़बरदस्त है। दगड़ दगड़ यख इना तरफ देख आप पिछले यार पिछले देख सकते हैं इना तरफ धर्मशाला वगैरह इना तरफ खाना वाना बनाना खुण जन टी शर्ट हूँ ऊँच मंदिर दर्शन भी हुए गिन। तो हमें पहुँच गए मेन रोड में यानी अपने घाट जाना खुण बांगड़ जाने खुण जाना खुण। तो भाई संदीप भाई हम छह गाड़ी खड़ी करी हम लोगों को अब हूँ से घाट जाना तैयारी। तो जो ये वीडियो को सार निचोड़ वही हो कि वो गांव में थे बहुत ही प्यारो लग। दूसरी चीज ब्लॉक में टॉप मचे खेती दूसरी चीज ये आज कि द्वारिखाल ब्लॉक में सबसे टॉप गांव छो खेती के नाम पर यानी खेती में सबसे अव्वल छ। तीसरी बात यह कि विधानसभा एक है कौन से विधानसभा विधानसभा एक यमकेश्वर और आँच द्वारिखाल क्षेत्र। तो ये हैरानी की बात छ थोड़ा तो वो चीज़ मैंने आपसे बताए। और गांव बहुत अच्छा है मंदिर वैसे भी अच्छा है हर चीज़ खेती भी अच्छी है जितना मैं से वैसा मैंने अपने तरह बैठे पूरी कोशिश कर और उम्मीद कर दूँ कि कैंडल गांव जितना भी लोग छे ये वीडियो थे अपने भाई बंधो में व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ला और अपने भाई थे और अपने भाई थे सपोर्ट कर ला। तो कैंडल गाँव में भी पहले हर कोई पैदल आना चाहे बहुत कष्ट है और कैंडल बहुत दूर गाँव में नहीं जाना चाहिए। तो अब आप लोगों से ये मैं बताए देना चाहते हैं कि रोड भी आई गया आपका बहुत मेहनत अच्छा है प्रयास है तो रोड भी आज आप गांव में पहुंच गया। तो अब निकल रहा छो हम घर को और हम थे उन्हें देर तो अपनी स्टाइल हम एंड करो। तो सपोर्ट ज़रूर करें सब लोग ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप उत्तराखंड की संस्कृति हम लोग दिखा सका और अग्नि बढ़ा सका। तो मिल लो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।